Cevap. आचार्य नारायण जी का आपसे एक बात करनी थी। मैं कुछ लोग हैं जिनको मैंने उपस्थित करके आपको दिखाया है और कुछ लोग ऐसे हैं जो मंच के नीचे खड़े हैं और एक पॉइंट की तरह इस पूरे समारोह की तैयारी में लगे हैं। एक नाम जिसे मैं उल्लेखित करना चाहूंगा, महाप्रबंधक श्रीमान रामचंद्र जी सारस्वत जी, जो यहाँ पूरी प्रबंधता के साथ इस कार्यक्रम को हम बनाए में लगे हैं और ये भी प्रचलन का ये कार्यक्रम ये रस गरिमा कितनी बड़ी है। मंच में एक सामंजस्य है, साहित्य भी है, सामाजिक क्षेत्र भी है, राजनीति का क्षेत्र भी है, धार्मिक क्षेत्र भी है, शिक्षा का क्षेत्र भी है। कितना अद्भुत सामंजस्य है और जब सारी धाराएं एक साथ मिल जाती है तब सागर बनता है और जब सागर बनता है तब उस मंच की गरिमा अनमोल होती है। और अब चार पंक्तियां में अपनी अर्थ करते हुए इस कार्यक्रम को धारा में लाना चाहूंगा कि उसकी खूबियां गिनाई नहीं जा सकती, वो हस्ती जो बताई नहीं जा सकती, तहजीब की ये वो किताब है जो एक दो पन्नों से समझाई नहीं जा सकती। तहजीब की ये वो किताब पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए, तब हम समझ पाएंगे कि एक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को इतना बड़ा बना देता है कि मजहब की जाति वाली टूट जाती है, वो व्यक्ति मानवीयता का संदेश देता है, वो व्यक्ति राष्ट्रीय एकता का संदेश देता है। और जमाने में जो लोग कुछ ऐसा कर जाते हैं उनके गुजर जाने के बाद जमाना उन्हें याद करता है। आज हम उन्हें याद कर रहे हैं, तत्पर है कि उस लाल को याद कर रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने अपने व्यक्तित्व से मिल के वो पत्थर रखे जो आने वाली सदियों को भी राह दिखाते रहेंगे। और बंधुओं को इस कार्यक्रम की धारा को आगे बढ़ाता हुआ परिचयात्मक जो एक बात कही जाती है इस कार्यक्रम के बारे में वो उद्घोषण संयोजन श्रीमान पी आर मेहता जी बधाई के और माता जी का नाम अपू देवी था।
आपने सन 1924 में जैन श्वेतांबर डेरा प्रमुख संघ में आचार्य श्री अनुमणि जी के हाथों से राजस्थान के बगड़ी शहर में जैन भगवत की दीक्षा दी। आपने भारतीय शिक्षा का और कई तरह के ग्रंथों का अध्ययन किया तथा संस्कृत, प्राकृत, पाली और अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। आचार्य श्री रविनाथ जी ने 80 से अधिक ग्रंथों को लिखा, अनेक ग्रंथों का संपादन भी किया। आपका ग्रंथ भागवत भक्ति पिटक एक जो कंपेरेटिव स्टडी है जैनिज्म और हिंदुइज्म के, जैनिज्म और बुद्धिज्म की, वो पूरे देश में बहुत ही प्रसिद्ध हुई। अनेक विश्वविद्यालयों ने कोर्स करिकुलम का पार्ट उन्होंने उपाधि भारतीय क्रांति ने भी इसी ग्रंथ में जो 3 वॉल्यूम में बना हुआ है उनको मूर्ति के नमस्कार से समझते। आचार्य श्री के जीवन की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मान्यता, आचार्य श्री के व्यक्तित्व कर्तव्य से प्रभावित होकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर अभी जो पूर्व राष्ट्रपति शिक्षा वातावरण का निर्माण किया, इससे प्रभावित होकर सभी धर्मों के विद्वान, धर्माचार्य, समाज सेवी, राजनेता और समिति के संस्थापक आचार्य श्री रविराज जी के संपर्क में आए। समिति के राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव के कार्यक्रमों से प्रभावित होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने समिति को शहरी विकास मंत्रालय से एक भूमि उपलब्ध कराई और जिस पर आचार्य रविराज जी का भवन का विधिगत उद्घाटन उस समय पर कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने किया। वर्तमान देश के प्राय सभी गणमान्य लोग का मुनि जी के पास में आना जाना रहा और धीरे धीरे राष्ट्रीय एकता समिति दिल्ली व देश का एक ऐसा नाम हो गया जो हर देशभक्त भारतीय द्वारा अपनी श्रद्धा के साथ किया जा रहा है। जैसा कि आप सबको विदित है तो चेयरमैन पद्मभूषण श्री बी आर अंबेडकर जी के अध्यक्ष में एक आचार्य रविराज जन शताब्दी समारोह समिति के नाम से राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा शताब्दी वर्ष में श्री समुद्रांति गोरखपुर से माध्यमिक विद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आज ये प्रथम कार्यक्रम हो रहा है। समिति ने राष्ट्रीय एकता समिति नई दिल्ली के साथ में सहयोग से इस वर्ष 100 छात्रों को छात्रवृत्ति देने का निश्चय किया है, जिनमें से 50 छात्रों को माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को गत वर्ष से ही इस छात्रवृत्ति का लाभ उठा रहे हैं। नंबर 2 जो कि आचार्य श्री का जन्मदिवस है, राष्ट्रीय समिति उस दिन इस तीसरे खंड का अंग्रेजी अनुवाद का विमोचन कराने का विचार रखती है।